What's up everyone? Welcome back to the channel. तो last classes में हम लोगों ने production complete करा. आज हम unit को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं cost. Cost को शुरू करेंगे. इस week में आपका मैं ये chapter भी पूरा करा दूंगा तो आपकी micro economics फटाफट complete होती चली जाएगी. तो आइए जल्दी से इस interesting chapter को शुरू करते हैं और आपके concepts clear करते हैं. चलिए let's begin. तो चलिए जी शुरू करते हैं हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. टॉपिक का नाम है कॉस्ट. अब देखो आपने लास्ट चैप्टर क्या पढ़ा, प्रोडक्शन, सामान बनना किस तरीके से है, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन कैसे होगा. अब इनपुट से आउटपुट पे कन्वर्जन तो हो जाएगा लेकिन वो कन्वर्जन करने के लिए खर्चा तो आएगा ना, खर्चे को ही तो क्या बोलते हैं, कॉस्ट. तो इस यूनिट में भी आप प्रोड्यूसर हो और प्रोड्यूसर को कितने प्रकार के खर्चे आ सकते हैं, किस किस तरीके से खर्चे आ सकते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉस्ट की. व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट मींस द सम टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ऑनर्स. देखो जब आप अकाउंट्स की बात करते हो ना तो अकाउंट्स में कॉस्ट का मतलब होता है बस जो पेमेंट हुआ, जो खर्चा हुआ, जो बाहर गया, वो कॉस्ट है. लेकिन इकोनॉमिक्स में कॉस्ट थोड़ा सा और डिटेल्ड हम लोग समझते हैं. इको में कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ वो खर्चा नहीं होता जो बाहर वाले को दिया. इको में उसके अंदर अंदर एक खर्चा और भी जोड़ना है, यानी कि वो खर्चा जो अगर कोई और इंसान काम कर रहा होता तो आपको उसको पे करना पड़ता. सर मतलब समझा नहीं. मतलब ये कि सपोज मैं आपको बोलूं कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और ऑफलाइन पढ़ाने के लिए मेरे पास अपना रूम नहीं है तो मैंने एक रूम रेंट पे लिया हुआ है. तो अभी मेरे जो खर्चे हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं? रेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, पार्किंग का खर्चा, गार्ड का खर्चा, इसके अलावा फर्नीचर का खर्चा, ये सब खर्चे हैं, ठीक है. बट अब मैंने क्या करा, बाकी सारे खर्चे तो रहेंगे ही रहेंगे लेकिन मैंने अपने घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया. घर में पढ़ाना शुरू कर दिया तो मेरा रेंट मैंने बचा लिया या नहीं बचा लिया? तो मैंने एक सर्विस खुद ही सप्लाई कर दी और पैसा बच गया. इसको भी कॉस्ट में जोड़ना है. इको में कॉस्ट बोलता है जो बाहर वाले को पैसा देना है वो तो दो ही दो, प्लस जो आपने सेव करा है वो भी खर्चे में कंसिडर करो. तो जो बाहर वाले को पैसा दे रहे हो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट, और जो सर्विसेज आपने खुद सप्लाई कर दी और पैसा बच गया उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट. तो दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? The payment made to outsiders for factor services, उसको हम explicit cost बोलते हैं. Implicit cost होता है, it is the cost of self-supplied factors, खुद factor supply करे और पैसा बचा लिया, उसको हम implicit cost बोलते हैं. अब एक doctor है, doctor के reception पे एक ना एक compounder आपको जरूर मिलेंगे. तो जो compounder हैं उनको उनकी salary देनी पड़ती है. अब एक डॉक्टर ने क्या करा, डॉक्टर ने कंपाउंडर रखे ही नहीं, वो खुद ही वो काम करने लगे, तो क्या डॉक्टर ने वो सैलरी सेव कर ली? दैट इज ऑल्सो एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है. तो क्या है हमारे पास, दो प्रकार की कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट. टोटल कर दो तो टोटल कॉस्ट बन जाता है. तो क्या लिखा एक्सप्लिसिट कॉस्ट में? इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स और पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर देयर सर्विसेज. जैसे रॉ मटेरियल खरीद लिया, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, जैसे कि आपने कोई रेंट दे दिया बाहर वाले को, वो एक्सप्लिसिट है. इम्प्लिसिट क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू, आप एक वैल्यू एस्टिमेट करो इनपुट्स की जो ऑनर खुद सप्लाई कर रहा है, जैसे कि नॉर्मल प्रॉफिट्स, जैसे कि ऑन रेंट, आपका खुद का लैंड का रेंट, वो सब इम्प्लिसिट है, ठीक है. एक बार डिफरेंस चेक करो. एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज. Implicit cost is the cost of self-supplied factors, जो आपने खुद supply कर दिए, implicit. It involves actual money payment on buying and hiring inputs, इसमें actual money payment होता है, and there is no money payment involved in this, इसमें कोई भी money payment नहीं होता क्योंकि ये तो खुद ही services supply कर दी. अब क्या मैं इधर वाली pocket से निकाल के इधर पैसा डालूँ implicit में, ठीक है. Payment of wages, rent, insurance, explicit में आता है. Rent of अपना खुद का land, interest on capital, वो सब implicit में आ जाता है. अब आ रहा है सर कॉस्ट फंक्शन. याद करो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया था. तो फंक्शन शब्द बहुत आता है ना, फंक्शन वर्ड बहुत ज्यादा हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है. तो व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन? फिर से वही बात, मैं आपको क्या बोलता था, कभी भी फंक्शन आए
फंक्शन मतलब रिलेशनशिप, कहीं पे भी फंक्शन लिखा हो फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप, ठीक है। तो व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन, इस बार फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, आउटपुट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है उसी को हम लोग कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। इसको लिखते कैसे हैं, कॉस्ट का फंक्शनल रिलेशनशिप क्वांटिटी के साथ, ये क्वांटिटी किस चीज़ की है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है, सीधा सीधा इसको हम कॉस्ट फंक्शन बोल देते हैं। अब आ रहा है सर व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉड। आप कभी भी कोई चीज़ लेते हो तो कुछ ना कुछ उसके बदले में सेक्रीफाइस करते हो। अगर आपने कोई एक जॉब लिया है तो कोई ना कोई जॉब ज़रूर छोड़ी होगी, आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर होगा, तो वो ऑप्शन जो आपने ड्रॉप कर दिया किसी एक ऑप्शन को लेने के लिए उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने छोड़ दिया, अगर आप ये ना कर रहे होते तो वो कर रहे होते, छोड़ दिया ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अ फार्मर कैन प्रोड्यूस 50 क्विंटल्स ऑफ राइस और 40 क्विंटल्स ऑफ वीट, इफ ही चूज टू प्रोड्यूस राइस, अगर उसने राइस चूज करा तो उसको वीट छोड़ना पड़ेगा, वही उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब आपके पास शॉर्ट रन कॉस्ट हम पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट रन लास्ट प्रोडक्शन में पढ़ा था, शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें सभी फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते हैं, कुछ चेंज होते हैं कुछ चेंज नहीं होते, जो चेंज होते हैं उनको हम वेरिएबल फैक्टर्स बोलते हैं, जो चेंज नहीं होते उनको हम फिक्स फैक्टर्स बोलते हैं। तो जो चेंज हो जाए यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स, उन पे आने वाले खर्चे को आप बोलोगे वेरिएबल कॉस्ट, और जो चेंज नहीं होते यानी कि फिक्स फैक्टर्स, उन पे आने वाले खर्चे को आप बोलोगे फिक्स कॉस्ट। तो कॉस्ट दो प्रकार की है, एक कॉस्ट वो है जो बेसिकली आपके फिक्स्ड एसेट्स पे लगेगी, आपने ज़मीन खरीदी, कैपिटल लगा दिया, आपने कोई बेसिकली मशीन खरीद ली, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होती रहेगी, ऊपर नीचे लेबर का खर्चा, ज़्यादा आउटपुट तो ज़्यादा लेबर, कम आउटपुट तो कम लेबर, तो सीधी सीधी सी बात है, इस तरीके से आप वेरिएबल कॉस्ट देखते हो। चलो अभी डिटेल में पढ़ते हैं इन्हें। सबसे पहले आ रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, सबसे पहले आ रहा है व्हाट इज अ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि शॉर्ट रन में मैंने आपको क्या बताया कि कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होगी कुछ वेरिएबल होगी। सर फिक्स कॉस्ट क्या है, दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी, वेरी का क्या मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है चेंज, वेरी का मतलब चेंज, तो वो कॉस्ट जो चेंज नहीं होगा विद द लेवल ऑफ आउटपुट उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। जैसे सपोज मेरी बिल्डिंग का रेंट है, अब चाहे मैं ऑफलाइन में एक बच्चा पढ़ाऊं, चाहे दो पढ़ाऊं, चाहे 20 पढ़ाऊं, चाहे 50 पढ़ाऊं, चाहे 100 पढ़ाऊं, चाहे एक भी ना पढ़ाऊं, रेंट तो मुझे पूरा ही देना पड़ेगा ना, बिल्डिंग का रेंट मुझे पूरा देना है, ऑफिस चाहे मैं 10 दिन खोलूं महीने में, चाहे 5 दिन खोलूं, चाहे खोलूं भी ना, तो ये मेरे लिए एक फिक्स कॉस्ट है, ये आनी ही आनी है, मैं कमाऊं या ना कमाऊं ये कंसिस्टेंट रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, इसको फर्क नहीं पड़ता, इसी को फिक्स बोलते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है, प्रीमिसेस का रेंट देना ही देना है। इसके दूसरे नाम याद रखेंगे, इसके दूसरे नाम होते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये इसके कुछ अलग 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 नाम हैं। आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, बट ठीक है कोई बात नहीं। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम, दे डू नॉट वेरी विद आउटपुट, आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगा, एंड वेदर द आउटपुट इज लार्ज स्मॉल और इवन जीरो, ये कॉस्ट रहेंगी ही रहेंगी, इनडिविजिबल है, ये बार बार चेंज नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्या आता है, इसका कर्व, सर इसका कर्व कैसा होगा देखने में, तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, चाहे आप कितने ही यूनिट्स बना लो, चाहे आप एक यूनिट बनाओ, चाहे दो यूनिट बनाओ, तीन यूनिट बनाओ, चार यूनिट बनाओ, पांच यूनिट बनाओ, कुछ भी ना बनाओ, जीरो कुछ भी ना बनाओ, खर्चा तो आएगा 12 का, 12 कांस्टेंट रहेगा, ये रहना ही रहना है। मान लो कि ये रेंट है, एक यूनिट बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, चार बनाओ, एक भी ना बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, रेंट तो देना पड़ेगा, इसी को फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमने रखा इधर आउटपुट ले लिया, इधर कॉस्ट ले लिया, तो जीरो पे भी 12, एक पे भी 12, दो पे भी 12, तीन पे भी 12, चार पे भी 12, पांच पे भी 12, चलता जाएगा। जब आपने पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए तो फिक्स कॉस्ट निकल के आ गया। फिक्स कॉस्ट कैसा कर्व निकल के आया,
अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो क्या दिखाता है कि फिक्स कॉस्ट सेम रहता है एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। इसको फर्क नहीं पड़ता आप एक यूनिट बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, चार बनाओ, पांच बनाओ या बनाओ ही ना, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये सेम रहने वाला है। ठीक है सर, एक्सप्लेनेशन क्या है? आउटपुट आपने एक्स एक्सिस पे लिया है, फिक्स कॉस्ट आपने वाई एक्सिस पे लिया है। टीएफसी कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज टीएफसी रिमेन सेम एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, इवन इफ द इनपुट इज जीरो, इवन इफ द आउटपुट इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चा है जो वेरी करेगा, जो चेंज होगा आउटपुट के साथ। अब सपोज फ्यूल है भाई, मशीन ज्यादा चलेगी तो फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, मशीन कम चलेगी तो फ्यूल भी कम लगेगा, मशीन चलेगी नहीं तो फ्यूल भी नहीं लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या है? वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। डायरेक्टली का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, सच कॉस्ट आर इनकर्ड टिल देर इज प्रोडक्शन एंड बिकम जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना फिक्स कॉस्ट जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन ये जीरो हो जाते हैं एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। इसका नाम क्या है दूसरा? प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट। इसको अवॉइड करा जा सकता है। सर इसकी टेबल बताओ ना। आओ बच्चों, सबसे पहले जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो ये भी जीरो है, देखो जीरो पे जीरो। एक आउटपुट बनाया तो छः का खर्चा आया, दो बनाया तो खर्चा थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि देखो इनिशियली आप जब कोई भी काम शुरू करते हो, कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, तो आपका खर्चा आता है, फिर आपको जब थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो वो थोड़ा कम हो जाता है, बट फिर आपको जब बिजनेस ग्रो करना है तो आपको नई फैक्ट्री, नई लैंड, नई चीज़ें, तो खर्चा बढ़ता चला जाता है। तो इनिशियली तो जीरो पे जीरो था, एक यूनिट पे छः का खर्चा आया, दो पे दस, तीन पे पंद्रह, चार पे चौबीस, पाँच पे पैंतीस। इस तरीके से ये टेबल याद करनी है, टेबल यही वाली लर्न कर लेना, ईजी रहेगा, क्योंकि बिहेवियर दिखाना आसान होता है इसमें। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके का शेप बन के आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनवर्स एस शेप्ड। इनवर्स एस शेप्ड मतलब एक तो एस ऐसा होता है, ये थोड़ा उल्टा सा ऐसा है इस तरीके का, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। ठीक है, जीरो पे जीरो, वन पे सिक्स, सही, इसी तरीके से टू पे, और ये प्लॉट करते 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 किस तरीके का बन जाएगा ऐसा, इनवर्सली एस शेप्ड। टीवीसी कर्व इज एन इनवर्सली एस शेप्ड एज इट इनिशियली इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। शुरू में खर्चा धीरे धीरे बढ़ता है हमारा, एंड लेटर इट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर टीवीसी जीरो है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे। यहाँ पे क्या होगा देखो, आउटपुट हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और वेरिएबल कॉस्ट वाई एक्सिस पे लिया है। टीवीसी एक इनवर्सली एस शेप्ड कर्व है, उसका रीजन सर रीजन क्या है? देखो जितनी भी कॉस्ट है वो प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, चाहे कितनी भी कॉस्ट क्यों ना हो वो हमेशा प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होती है। तो कभी भी आपसे शेप पूछने वाला, अभी आगे भी आप बहुत सारे कर्व्स पढ़ोगे, उन सबकी शेप के पीछे रीजन एक ही होगा, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्योंकि कॉस्ट कोई भी हो इट इज डिपेंडेंट ऑलवेज ऑन अ प्रोडक्शन। जब वहां पे तीन फेजेस पढ़े हमने टीपी के, पढ़े या नहीं पढ़े, पहले इंक्रीजिंग रेट, फिर डिमिनिशिंग रेट और फाइनली नेगेटिव रेट, इसी तरीके से कॉस्ट में भी तीन तीन फेजेस आएंगे। It starts from origin, indicating that when output is zero, variable cost is also zero. ठीक है, तो हमने variable cost भी ले लिया, हमने fixed cost भी ले लिया। इसके बाद अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो क्या बन जाता है? Total cost। इसे जोड़ दे तो क्या बन जाता है? Total cost। It is the total expenditure incurred by a firm on the factors of production required for production of a commodity. इट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल होता है टोटल फिक्स कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो यहाँ पे आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल फिक्स कॉस्ट 12, 12, 12, 12, 12 ली थी, वेरिएबल 0, 6, 10, 15, 24, 35, दोनों को सम कर दो तो आपके पास टोटल कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, फिर से अगर इसका कर्व बनाना हो तो सर कर्व कैसा बनेगा? देखो हमने जो यूनिट्स लिए हैं, मेजर करे हैं एक्स एक्सिस पे, टीवीसी, टीएफसी, टीसी ऑन वाई एक्सिस, वर्टिकल डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम। सर ये क्या है? आओ तुम लोग को थोड़ा बना के दिखाएं। अगर आपको तीनों कर्व एक साथ बनाने हो ना, तो इधर आपने आउटपुट लिया है
और इधर आपने सारी कॉस्ट्स ले ली है, कौन कौन सी कॉस्ट है, टीसी भी ले ली, टीवीसी भी ले ली, टीएफसी भी ले ली, ठीक है। अगर मैं फ्री हैंड बनाऊं तो देखो इस तरीके का आपका टोटल फिक्स कॉस्ट था, सही, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सही है। इसके बाद हम लोग गए वेरिएबल कॉस्ट की तरफ, तो वेरिएबल कॉस्ट आपका कुछ इस तरीके का था, इसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल देते हैं। तो फिक्स कॉस्ट भी बना दिया, वेरिएबल कॉस्ट भी बना दिया, इनका सम कर दूं अगर तो ये टोटल कॉस्ट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चे कि ये जो दो कर्व्स हैं, कौन कौन से दो कर्व्स हैं, एक तो टोटल कॉस्ट और एक टोटल फिक्स कॉस्ट, दे विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, वो कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होंगे। सर क्यों? क्योंकि वो जीरो नहीं होते, सही है। और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो ओरिजिन से शुरू होगा। सर क्यों? क्योंकि वो जीरो होता है, ठीक। उसके बाद आपको कभी भी रिलेशनशिप लिखना हो, अभी आपके पास आगे आएगा कि रिलेशनशिप बताओ, आपके पास अभी क्वेश्चन आएगा कि रिलेशनशिप बताओ बिटवीन टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो ऑलवेज फर्स्ट पॉइंट में ये बताया करो कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया और वाई एक्सिस पे क्या लिया। तो हम बोलेंगे कि आउटपुट इज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड टीसी टीवीसी एंड टीएफसी आर मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमेशा शेप्स के बारे में बताया करो। सर शेप्स के बारे में क्या बताएं? टीएफसी इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टीसी एंड टीवीसी आर इनवर्स एस शेप्ड कर्व्स, द रीजन बिहाइंड देयर शेप इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बन गया। उसके बाद तीसरा स्टार्टिंग पॉइंट बताया करो हमेशा कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। हम बोलेंगे कि टीवीसी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, वेयर एज टीसी एंड टीएफसी विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि वो कभी जीरो नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर फोर पे इनके कुछ डिस्टेंस वगैरह देख लेने हैं। सर डिस्टेंस वगैरह का क्या मतलब है? डिस्टेंस वगैरह का मतलब है बच्चे कि हमारे पास सबसे पहले हम इन दोनों कर्व के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। इन दोनों कर्व के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, TC और TVC का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। सर सेम क्यों रहने वाला है? सेम इसलिए रहेगा क्योंकि TC और TVC के बीच में कौन है? TFC, और वो हमेशा सेम रहता है। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो तो टोटल फिक्स कॉस्ट आएगा, और वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, इसीलिए इनके बीच का डिस्टेंस भी हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। तो एक पॉइंट तो ये लिख दोगे डिस्टेंस वाला। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप डिस्टेंस दिखाओ इन दोनों कर्व्स का, इन दोनों का, कि देखो इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कर्व आगे बढ़ रहा है इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। सर इनके बीच का डिस्टेंस क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट के बीच में टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता 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 डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाता है। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी आउटपुट के साथ बढ़ रहा होता है। This is how you explain the relationship between TC, TVC and TFC. आपको ये वाला पॉइंट नोट करना होगा तो ये नोट कर लेना, इसी तरीके से लिख के आना पूरा एग्जाम में, बढ़िया नंबर मिलेंगे। अब क्या है सर? एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं, TVC भी इनवर्स एस शेप्ड होता है क्योंकि वो पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ जाती है, फिर इंक्रीजिंग रेट क्योंकि एफिशिएंसी गिर जाती है, सही। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट में एक डिफरेंस दिया हुआ है, ये आप खुद पढ़ोगे, इसका स्क्रीनशॉट लो और आज घर बैठ के आराम से पढ़ना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, मैंने सारे पॉइंट्स पढ़ा दिया आपको। देन वी हैव द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में वही तीनों कर्व्स एक साथ बनाने हैं, ठीक है, और एक शेड्यूल सेम टू सेम वही पीछे वाला। अब एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ, यूनिट्स आपने एक्स एक्सिस पे ली, टीवीसी टीएफसी टीसी आपने वाई एक्सिस पे लिए, TFC curve horizontal straight line है parallel to x-axis, TC TVC curves inversely S-shaped है, reason लिख दिया। Zero level of output पे TC is equal to TFC because there is no variable cost, TC और TVC curves are parallel to each other क्योंकि उनके बीच में TFC होता है, और vertical distance TFC और TC के बीच में TVC होता है इसलिए वो बढ़ती चली जाती है। ये सब मैंने आपको बताया और ये आप लिख सकते हो। इसी के साथ बेटा जी हमने आज total cost पूरा कर लिया। तो हम लोगों ने आज टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ा है,
अगली क्लास में मैं आपको एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, देन मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे और इस वीक में हमारा कॉस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने डिटेल में मेरे साथ साथ समझा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होगी। स्टिल इफ़ यू फील एनी डाउट तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन और सभी बच्चों के साथ वीडियो शेयर करा करो। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।